हूँ आपके साथ दिव्या। दो दिन पहले आई एक खबर ने कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के फैंस को चौंका दिया था। खबर आई कि जानी मानी एक्ट्रेस और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी अपनी किताब के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो में गई थी, लेकिन वहां के चौकीदार ने उन्हें पहचानने से ही मना कर दिया और उन्हें सेट पर एंट्री नहीं मिली। इसके बाद सेट पर अफरा तफरी मच गई। इस खबर से हर कोई शॉक था कि एक केंद्रीय मंत्री को गार्ड ने कैसे नहीं पहचाना। अब एक लीडिंग वेबसाइट के सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि यह पूरी घटना सच में घटित हुई है। सूत्रों ने बताया ये घटना 4 दिन पहले हुई। गलतफहमी की वजह से शो के गार्ड ने स्मृति ईरानी को नहीं पहचाना और उन्हें सेट पर एंट्री नहीं दी। कपिल और उनकी टीम को पता भी नहीं था कि सेट के बाहर कुछ ऐसा हो रहा है। इसकी वजह से मेकर्स को खासी परेशानी झेलनी पड़ी। सूत्रों ने आगे बताया जब टीम को इस बारे में पता चला तो वो काफी शर्मिंदा हुई। कपिल शर्मा ने भी केंद्रीय मंत्री से माफी मांगी। ये डैमेज कंट्रोल का एक हिस्सा है। वो इस मामले पर चल रही सारी खबरों को डेड होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि कपिल शर्मा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पूरे मामले की स्थिति को साफ कर सकें। वैसे कपिल शर्मा के शो में हुई इस हरकत से एक बार फिर से खबरों में आ गया है। जैसे ही कपिल और उनकी टीम को इसकी भनक लगी, सेट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद प्रोडक्शन टीम ने स्मृति ईरानी से बात करने की काफ़ी कोशिश की, उनको मनाने की भी कोशिश की, लेकिन आखिरकार शूटिंग को रद्द करना ही पड़ा। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने ड्राइवर और 2 लोगों के साथ कपिल शर्मा शो के शूट पर पहुंची थी। यहां पर स्मृति ईरानी अपनी किताब लाल सलाम के प्रमोशन के लिए आई थी। इस शो में वो इस किताब पर बात करने वाली ही थी, लेकिन गार्ड ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया। स्मृति ने गार्ड को बताया कि वो स्पेशल एपिसोड की शूटिंग करने आए हैं, उन्हें बकायदा इनवाइट किया गया है, वो शो की गेस्ट हैं। इस पर गार्ड ने 2 टूक शब्दों में कह दिया, हमें कोई आदेश नहीं मिला है, सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकती। स्मृति ईरानी काफ़ी देर तक गार्ड को समझाती रही, लेकिन गार्ड ने एक नहीं सुनी। सूत्रों की माने तो जिस वक्त स्मृति ईरानी गार्ड से उलझ रही थी, उस वक्त एक जोमैटो बॉय फूड डिलीवरी के लिए आया और उसे बिना किसी पूछताछ के ही अंदर जाने दिया, जिसके बाद मंत्री नाराज होकर वहां से चलती बनी। बताते चले कि कपिल ने वाकई में स्मृति ईरानी से माफी मांगी है या नहीं, हम इस बात की पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन मीडिया के गलियारों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।